हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के इस पांचवें लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले है ना। जैसे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, टेन टू थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन टू थीटा को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं ना। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला है, सबको याद ही है। साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। इसी फार्मूले में अगर हम लोग ए और बी दोनों को ही थीटा से रिप्लेस कर दें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये साइन थीटा प्लस थीटा यानी कि क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा बन जाएगा। और राइट हैंड साइड बन जाएगा मेरे पास में ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों बातें एक ही है ना, एक ही चीज़ दो बार करके लिखा हुआ है ये, तो इसको हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास में टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको याद रखना है हमेशा, कभी भी साइन टू थीटा को उसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करना हो तो टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे हम लोग। ऐसे ही मान लो अगर कहीं मुझे साइन एट एट एक्स लिखा हो है ना, तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना हो, मैं लिख सकता हूँ टू एट का हाफ हो जाएगा मेरे लिए फोर साइन फोर एक्स इंटू कॉस 4x। फिर फर्दर हम लोग चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन 4x को और भी हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है ना, फर्दर इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसे नीड है उसके हिसाब से। ठीक है, तो साइन के सामने जो भी एंगल लिखा है उसको उसके हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करना है ये यहाँ से पता लग गया हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉस टू थीटा देखते हैं क्या फॉर्मूला होगा कॉस टू थीटा। तो अगेन कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको आता है, क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर से अगर हम लोग ए और बी इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ में थीटा के साथ में, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे लिए हो जाएगा कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फिर से इंटू कॉस थीटा आएगा तो वो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बनेगा साइन थीटा, यहाँ भी बनेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक तो फार्मूला यही हो गया कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको फर्दर हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो साइन और कॉस दोनों के टर्म में लिखा है, अगर प्योर मुझे साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है तो हम चाहें तो ये वाला जो मेरा कॉस थीटा है इसको फर्दर हम लोग साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सामने एक और साइन स्क्वायर थीटा है तो ये बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉस टू थीटा को प्योरली साइन के फॉर्म में लिखना है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी को फर्दर हम लोग अगर और कॉस थीटा के फॉर्म में सिर्फ लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा के फॉर्म में, तो वन माइनस टू साइन थीटा की जगह पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ना, तो क्या बन जाएगा वन माइनस टू एन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। सो दीज आर द मेनी फॉर्मूलाज फॉर राइटिंग कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, इन टर्म्स ऑफ बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा को हम लोग इस अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस टू थीटा को
टू थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर प्योरली अगर साइन के फॉर्म में लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्योरली कॉस के फॉर्म में लिखना है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ओके, यहाँ से दो तीन और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, वो क्या है देखो जरा। जैसे हमने लिखा था कॉस 2 थीटा इक्वल टू, कॉस के टर्म में आया था ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी को थोड़ा हम लोग मैनिपुलेट करें तो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी आपको ऐसे याद रखना है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ओके, कॉस 2 थीटा को हमने साइन के टर्म में ऐसे लिखा था अभी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग कैसे साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर लिखा हो 1 प्लस कॉस एक्स, बीच में प्लस है तो उसको हम लोग कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर और ये जो एंगल है उसका हाफ, यहाँ है ना 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा, वैसे ही अगर एक्स है तो उसका हाफ हो जाएगा एक्स बाई 2। अगर कहीं पे लिखा हो 1 माइनस कॉस एक्स, आई कैन राइट इट एज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। तो ये सब फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए बेसिकली अभी साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टैन 2 थीटा को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है इसके हाफ एंगल के मामले में, ना। तो अगेन टैन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला रहता है क्या रहता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, है ना। अगेन ए और बी को हम लोग थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो टैन 2 थीटा हमें मिल जाएगा। देखें यहाँ पे ये भी टैन थीटा बनेगा, ये भी टैन थीटा बनेगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 टैन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, उसको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग इट्स फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिसिंग इट्स मैनिपुलेशन, ओके। तो फाइनली टैन 2 थीटा का फॉर्मूला मिल चुका है, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये तो डबल एंगल के फॉर्मूले हो गए, साइन का हो गया, कॉस का हो गया और टैन का हो गया। बाकी जो तीन है सेक कॉस एक और कॉट, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को ही रेसिप्रोकल करके हम लोग वहां से अपना काम चला सकते हैं। अगर ट्रिपल एंगल के फॉर्म लेके आओगे साइन 3 थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। ओके, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इधर पे 3 थीटा बन जाए, ना। तो किसी ए को या बी को 2 थीटा रख लो और दूसरे वाले को थीटा रख लो, अपने आप 3 थीटा बन जाएगा। ए को चलो मैं 2 थीटा लिख देता हूँ और बी की जगह पे थीटा लिख देता हूँ, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा बन जाएगा साइन 3 थीटा, और राइट हैंड साइड में मिलेगा एक ही जगह पे मैंने रखा है 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। बाकी फर्दर हमें साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, उसको और रिप्लेस कर देना है। तो साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कॉस 2 थीटा को बहुत सारे तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज, कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 - 2 sin² थीटा, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 cos² थीटा - 1, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos² थीटा - sin² थीटा, है ना। इन तमाम तरीकों से इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारा फार्मूला जो है मेरा ये साइन के टर्म में बने, है ना, साइन के टर्म में। तो बेहतर है इसको साइन के फॉर्म में लिखो, 1 - 2 sin² थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो बाकी यहाँ जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है इसको भी मैं साइन थीटा के टर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि पूरा फार्मूला जो है वो मैं चाहता हूँ कि साइन के टर्म में आ जाए। तो यहाँ इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 sin³ थीटा हो गया ना, ओके। बाकी इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 sin θ माइनस 2 sin³θ प्लस sin θ माइनस 2 sin³θ, है ना। तो देखो क्या बन गया, ये 2 sin θ प्लस sin θ हो गया 3 sin θ, और 2 sin³θ 2 sin³θ ये हो गया 4 sin³θ। सॉरी, ये यहाँ पे जो है ये क्यूब है ना। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, 3 sin θ माइनस 4 sin³θ, ठीक है, ये हो गया हमारे लिए साइन 3θ का फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूले के साथ साथ मैं उसका डेरिवेशन भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा वो। ओके, तो साइन 3θ का फॉर्मूला ये हो गया 3 sin θ माइनस 4 sin³θ। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉस 3θ का क्या फॉर्मूला होगा। तो कॉस 3θ को भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर ए को रिप्लेस कर दो 2θ के साथ में और बी को रिप्लेस कर दो थीटा के साथ में, तो कॉस 3θ बन जाएगा कॉस 2θ इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2θ इंटू साइन थीटा, ठीक है। फर्दर ये डबल एंगल वाले फॉर्मूले रख लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आप कर लेना खुद ही, पूरा फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। फाइनली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2θ और कॉस 2θ और साइन 2θ के फॉर्मूले यहाँ पे रिप्लेस करके, तो हमें मिलेगा 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए कॉस 3θ का फॉर्मूला। ओके, तो डबल एंगल का फॉर्मूला हो गया, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला हो गया कॉस और साइन के लिए ना। टेन का ऐसा कहीं कुछ खास जरूरत पड़ता नहीं है, टेन 3θ का अगर कहीं जरूरत पड़ा टेन 3θ लिखना तो साइन 3θ अपॉन कॉस 3θ करके लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइन 2θ कॉस 2θ, ये फॉर्मूला तो हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। साइन 2θ होता है हमारे लिए ये, और कॉस 2θ को हम लोग बहुत सारे फॉर्म में लिखते हैं,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं ना, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन भी लिखते हैं या वन माइनस टू साइन स्क्वायर भी लिखते हैं, ये तो है ही, लेकिन कैसे इसको टेन थीटा के फॉर्म में लिखा जाए। ये जो भी फॉर्मूले हैं ये तो साइन और कॉस के फॉर्म में है, कई बार क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ती है इसको टेन थीटा के फॉर्म में लिखने की, है ना, तो वो भी देख लेते हैं ज़रा। ओके, अब साइन टू थीटा क्या है? साइन टू थीटा है हमारे लिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं कि वन लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो अगर वन की जगह पे मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं वहां से। ओके गुड, अब इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर मेरा बन जाएगा टू टेन थीटा, और न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वन हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक फार्मूला ये हो गया, साइन टू थीटा को हम लोग टेन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे टेन टू थीटा का फॉर्मूला ऐसा होता था टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा को जब हम लिखते हैं टेन के फॉर्म में तो ये आता है ऐसा। दोनों में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, है ना। टेन वाले में डिनोमिनेटर नेगेटिव है, साइन वाले में डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव है, ठीक है, तभी मैंने फॉर्मूले दोनों एक साथ लिख दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो ये तो बात हो गई किसकी, साइन टू थीटा की। अगर हम बात करें कॉस टू थीटा, तो भाई कॉस टू थीटा हमारे लिए होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, मतलब वन, और वन को अगेन आई कैन राइट इट एज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर लें तो हमें मिलना है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों के दोनों, कैसे हम लोग साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा को टेन के फॉर्म में लिखते हैं, टेन के फॉर्म में, ठीक है। बेशक आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और ये याद हो जाते हैं, है ना, इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कि ये सारा कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ हमारा ये जो फॉर्मूले वाला पोर्शन है ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनमें हम लोग इन फॉर्मूले का यूज करेंगे, इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, कुछ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, है ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जिससे फॉर्मूले अप्लाई करना हम लोग सीखेंगे। जैसे हमें प्रूफ करना है टेन थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा यहाँ से स्टार्ट करें, हमें प्रूफ करना है कि ये टेन थीटा के इक्वल होगा। तो याद करो ये वन माइनस कॉस थीटा को कैसे लिखा जाता था, वन प्लस कॉस होता है तो वो टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल बनता है, वन माइनस कॉस होता है तो वो टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल बनता है। तो टू साइन स्क्वायर और टू थीटा का हाफ एंगल हो गया थीटा, ठीक है। नीचे साइन टू थीटा है जो कि ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही है हमारा टेन थीटा। सिंपल है, पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही
सेकेंड वाला भी देख सकते हो, सेकेंड वाला वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा करके लिखा है ना। वन प्लस कॉस टू थीटा को, ये जो न्यूमेटर है मेरा, इसको आई कैन राइट टू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो मेरा डिनोमिनेटर है ये टू साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है। फर्दर यहाँ से टू टू कैंसिल होगा, एक कॉस थीटा का फैक्टर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा विच इज नथिंग बट कॉट थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड हो गया, आगे बढ़ते हैं थर्ड, देखते हैं क्या है। ओके, थर्ड है वन प्लस साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस साइन टू थीटा। अब देखें ऐसा कोई फॉर्मूला तो हमने याद किया नहीं वन प्लस साइन टू थीटा का, इस तरीके का है ना, लेकिन वन प्लस कॉस टू थीटा और वन माइनस कॉस टू थीटा ये फॉर्मूला हमें याद है, तो जो याद है बस वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, कॉट थीटा के इक्वल प्रूफ करना है मुझे, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ और डिनोमिनेटर में इन दोनों को है ना, तो वन प्लस कॉस टू थीटा विल बी टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन, नीचे वन माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा ये चीज, ठीक है। साइन टू थीटा को भी हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक तो क्या दिख रहा है, ये टू का फैक्टर जो है वो कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर से हम लोग कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर से हम लोग साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, जो कि अगेन कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड विच इज नथिंग बट कॉट थीटा। ठीक है, क्वाइट इजी सब कुछ, आई होप सब आसान है, सब कुछ आपके समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, इसको हमने लिखना है टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या सोच सकते हैं हम लोग, एक तो हम लोग यही सोच सकते हैं कि यहाँ जो है ये जो साइन और कॉस है इसका फॉर्मूला हम लोग टेन के टर्म में याद करके बैठे हुए हैं ना, टेन के टर्म में साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, तो अगर हम वही काम कर लें यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया कॉस थीटा की जगह पे, चूंकि हमारा कॉस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो टू थीटा है ये अपने हाफ में कन्वर्ट होगा, जो भी कॉस के सामने जो एंगल लिखा है उसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ कॉस थीटा लिखा है तो उसका आधा थीटा बाई टू बनेगा, सिंपल सी बात है। तो आई कैन राइट वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हो गया मेरा कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन थीटा को आई कैन राइट टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, बाकी देखो अगर यहाँ से, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन
नीचे जो है डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम ले उसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 टेन थीटा बाय 2 ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम ही लिखा हुआ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो न्यूमरेटर दिख रहा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का दिख रहा है तो आई कैन राइट इट एज 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 ऐसा करके है ना। डिनोमिनेटर जो है वो होल स्क्वायर है 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 का। तो देखो यहाँ से ये एक फैक्टर जो है कैंसल आउट हो गया तो बच गया क्या हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 ये बच गया। ठीक है अब यही चीज जो है सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस बी का क्योंकि ये जो 1 है ये जो 1 है इसको हम लोग टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं है ना। या तो आप यहाँ से ही देख लो इसको एक्सपेंड करके इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको एक्सपेंड करके ये तो लिखेंगे टेन पाई बाई 4 यानी कि 1 टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए यानी कि टेन पाई बाई 4 1 इंटू टेन बी तो ये सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है तो बस प्रूफ हो गया। ठीक है दिस इज टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके सो मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा। ओके कन्वर्ट करना है टेन थीटा के फॉर्म में तो एक तो तरीका वही जो हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन में किया कि साइन 2 थीटा को अगर हम लिख लें 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो वहां से भी हो जाना ही है। दूसरा तरीका हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं इसको अगर मैं ये LHS कंसिडर करता हूँ ये जो 1 है ना इसको मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा को मैं लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है ये क्यों कर रहे हैं अभी समझ आ जाएगा। सेम वही चीज डिनोमिनेटर में ठीक है ये जो 1 था सो 1 को 1 की जगह पे वी कैन ऑलवेज राइट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो हमेशा 1 होता है ना। बाकी sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया ऐसा करने से हुआ क्या अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ को होल स्क्वायर का समथिंग प्लस समथिंग के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है और नीचे समथिंग माइनस समथिंग के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। ओके क्या बन रहा है अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ऊपर में लिखा हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ये दोनों होल स्क्वायर को अलग अलग ना लिख के इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं इकट्ठे ये होल स्क्वायर कर दिया है ना। और अगर हम लोग फिर ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अब चूंकि क्या प्रूफ करना है जो प्रूफ करना है उसको देखो तो तुरंत समझ आ जाएगा क्या करना चाहिए। कॉस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए तो 1 प्लस टेन थीटा बनेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन थीटा और ये जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ओके एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ये जो साइन 2 थीटा दिख रहा है इसको हम लोग टेन हाफ एंगल के फॉर्मूले में लिख लेंगे मतलब 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है
रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। जब भी रूट के अंदर ये 1 प्लस साइन एक्स सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स देखते तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 1 प्लस कॉस एक्स को वी कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये जो स्क्वायर है रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट होने का चांस यहाँ पे बन सकता है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है भाई, तो ये लिख लिया हमने। अब यहाँ से एक तो ये 2 का जो कॉमन फैक्टर है रूट 2 जो है, अगर हम रूट के बाहर में 2 को कॉमन निकालें तो रूट 2 आएगा, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बचेगा हमारे पास क्या, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 वो हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2। हमेशा ये याद रखें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को ये आदत डाल लेना चाहिए मॉड एक्स लिखने का, है ना, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स लिखें तो कई जगह पे हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, कई जगह पे गलत हो सकती हैं चीज़ें। से अगर लिखा हो -3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर, है ना, तो ये इसको अगर हमने -3 लिख दिया तो ये तो गलत चीज़ है ना, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो ये नेगेटिव कैसे आ जाएगा, तो इसलिए हमेशा मॉडल एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहिए। ठीक है, प्लस यहाँ मॉड साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, ये चीज। ठीक है, अब ये मॉड को कैसे क्या करें, हम लोग मॉड को कैसे रिप्लेस करें, उसके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये बात बताई जाएगी कि एक्स जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक है। एक्स हमें क्वेश्चन में बताया गया है पाई से 2 पाई। अगर एक्स 180 से 360 है तो डेफिनेटली हमारा एक्स बाई 2 क्या होगा, क्या वो पाई बाई 2 से पाई हो जाएगा। 90 से 180, 90 से 180 इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि ये मॉडुलस साइन के अंदर कॉस जो है वो नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, और साइन तो जो है वो पॉजिटिव ही है। तो बस आपको ये मॉड रिमूव करने का रूल पता होगा, इसको मैं रिप्लेस करूंगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया। ओके, फर्दर अगर हम इसको कॉस एक्स बाई 2 के साथ में डिवाइड कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें प्रूफ क्या करना है, कॉट ऑफ समथिंग प्लस समथिंग, मतलब कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला जनरेट होना चाहिए। तो अगर हम इसको क्या कर लें, साइन एक्स बाई 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, है ना, साइन एक्स बाई 2 के साथ में डिवाइड कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर हमारा 1 माइनस कॉट एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो -1 माइनस कॉट एक्स बाई 2 ऐसे बन जाएगा। या फिर नीचे से माइनस कॉमन लेके अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें ऐसे, ये चीज। ओके, ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, कॉट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये हो गया प्रूफ। ओके, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, कॉट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, टेन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, बाकी आज के लेक्चर में जितने फॉर्मूले आपको कराए हैं सब एकदम रटा होना चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, ये चीज प्रूफ करना है रूट के अंदर काफी सारे रूट लगे हुए हैं, सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट, सबसे जो क्या बोल सकते हैं इसको,
इन साइड वाला अंडर रूट है उसको देखो, ये चीज 2 प्लस 2 कॉस 8, 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो अगर हम 2 कॉमन ले यहां से, तो 1 प्लस कॉस 8 आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखना हमें पता है ना इसका फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस दिखते ही, 1 प्लस कॉस दिखते ही हमें तुरंत ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर और जो भी एंगल यहाँ पे लिखा है उसका हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 2। अब हम इसके जगह पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, 8 का हाफ हो गया 4, है ना, ठीक, इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे, ये 4 कॉस टू द पावर 4, सॉरी कॉस स्क्वायर 4 थीटा बन गया, है ना। तो रूट के अंदर समथिंग स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगेन वही हम लोग 2, एक और रूट लगाया हमने 2 यहाँ लिखा, फिर यहाँ हमने लिख दिया मॉड ऑफ 2 कॉस 4 थीटा, ये जाए, ठीक है। थीटा हमारा दिया हुआ है 0 से पाई बाई 16, 4 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, देखें यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इन इक्वेशन में, तो 4 थीटा मेरा 0 से 45 डिग्री, 0 से 45 डिग्री में तो एक्यूट एंगल आ गया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहाँ तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो इस केस में अगर मैं मॉड ये हटा भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ पर 2 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस बन गया, तो फिर से हम लोग यहाँ से ब्रैकेट्स, सॉरी ये अंदर वाले रूट से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा बन जाएगा ये, ठीक है। अगेन 1 प्लस कॉस 4 थीटा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर 4 का हाफ 2 थीटा, ठीक है। वंस अगेन हम लोग यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर एक स्क्वायर वाली चीज दिख गई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो गया। अब मैं स्क्वायर रूट अगर हटाऊंगा तो फिर से मैं मॉड लिखूंगा, मॉड ऑफ 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब 4 थीटा अगर 0 से, 4 थीटा अगर 0 से पाई बाई 4 तक है, 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 थीटा होगा 0 से पाई बाई 8, तो अगेन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, तो फिर से ये मॉड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव ही है। वंस अगेन यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन निकालें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से ये 2 कॉस थीटा का मॉड, लेकिन थीटा मेरा 0 से पाई बाई 16 है, तो 0 से पाई बाई 16 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो ये मॉड जो है मेरा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, 2 कॉस थीटा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एक ही मामला 3-4 बार यूज करना पड़ा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन 3 थीटा गिवेन है, और ये भी बताया है कि थीटा जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन 3 थीटा गिवेन है, ये बेसिक एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा और साइन 3 थीटा, ये सारी बातें जो है कैलकुलेट करके बताना है हमें, देखते हैं। साइन थीटा अगर मुझे पता है 3/5, बाकी ये भी पता है कि एक्यूट एंगल है, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा 4/5 लिख सकते हैं, टेन थीटा 3/4 लिख सकते हैं,
ठीक है। तो अब मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सारा ही चीज जब आ गया तो फिर तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। साइन टू थीटा लिखना, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, सब वैल्यू पता है। कॉस टू थीटा तो हम लोग सीधे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख लें, साइन थीटा ऑलरेडी गिवन था। टेन टू थीटा हो गया अपने पास में टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा भी हमारे पास है थ्री बाई फोर, ठीक है ना। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा साइन थीटा दिया ही हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे वैल्यू डाल डाल के सब कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप कर लेना खुद ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन में ये प्रूव करना है वन माइनस टेन स्क्वायर सम एंगल अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर सम एंगल, ठीक है। ये कुछ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये कुछ होता है, ठीक है ना। ये देखो फॉर्मूले याद होने का मतलब कि आपको जो फॉर्म क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है। ये है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, यह है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। तो अगर मैं इस पूरी चीज को कोई एक ही एंगल मान लूं, ठीक है ना, मानना गया वो तो है ही, कुछ ना कुछ एंगल तो है ही ना, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर सम एंगल अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर दैट एंगल। तो ये हो गया अपने लिए क्या हो गया, कॉस ऑफ टू जो भी एंगल वो लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है ना। बाकी टू को मल्टीप्लाई कर दोगे अगर तो पाई बाई टू माइनस ए बाई टू साइन नाइन सॉरी कॉस नाइनटी माइनस थीटा, ये हो गया अपने लिए क्या हो गया, सॉरी ये ए बाई टू नहीं है टू ए, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग टू का ए के साथ में। तो बस ये प्रूफ हो गया, देखो कितना क्वेश्चन है। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर इक्वल टू कुछ प्रूफ करना है ना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बस ये होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर लो, है ना। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, ये तो हमारा पहला ब्रैकेट हो गया, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ओके अब देखें क्या क्या कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए वन कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी वन, तो वन प्लस वन ये हो गया हमारे पास में टू। बाकी जो फैक्टर बच गया कौन सा, ये वाला और ये वाला, इनमें भी जो है वो टू कॉमन है, तो माइनस टू कॉमन निकाला तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कुछ तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज व्हाट, कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना। फिर यहां से टू कॉमन लिया तो वन माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो बस ये प्रूफ होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, कोई बहुत ही एडवांस क्वेश्चन नहीं है ये। इनसे आपने देखा कि कैसे हम लोग फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, और फॉर्मूले याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कुछ कुछ स्पेशल टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू, है ना, कुछ स्पेशल एंगल के लिए
जैसे 15 डिग्री के लिए साइन कॉस टेन की क्या वैल्यू होगी, 75 डिग्री के लिए साइन कॉस टेन की क्या वैल्यूज होगी, है ना। अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं सब फॉर्मूले से हम लोग ये सारा कुछ डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साइन 15 डिग्री को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या साइन 15 को 45 माइनस 30 करके लिखा जा सकता है ना। बाकी आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता ही है, तो जैसे ही आप फॉर्मूला लिखोगे साइन ऑफ ए माइनस बी का, ये कुछ ऐसा बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, बाकी तो ये सब वैल्यू आपको आता ही है, 1/√2, √3/2, 1/√2, sin 30 इज 1/2, तो अल्टीमेटली क्या आ गया हमारे पास में, √3 - 1/√2। तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ 15 डिग्री। अच्छा, जो साइन 15 का वैल्यू होगा वही कॉस 75 का भी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज है, आप याद भी कर सकते हो इसे, और अगर नहीं याद है तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई दिस साइन ऑफ 45 - 30। ठीक है, बेहतर है, याद हो जाए ना, कहीं कहीं जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो हो गया साइन 15। सेम लॉजिक से हम लोग कॉस 15 लिख सकते हैं। कॉस 15 के लिए अब तो मेरे पास दो तरीके हैं कॉस 15 के लिए, या तो मैं कॉस ऑफ 45 - 30 ये वाला चीज अप्लाई कर लूं, या फिर अब जब मेरे पास साइन 15 है ही, तो 1 - sin²15 का अंडर रूट, यही तो होगा 1 - sin²15 का अंडर रूट, ये कॉस 15 हो गया। तो ऐसे भी हम लोग सो कर सकते हैं √1 - sin²15, तो ये √3 - 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, tan 15 डिग्री इज tan 45 - 30, tan ऑफ ए माइनस बी, सो दिस इज tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 + tan A into tan B, tan 45 1 tan 30 1/√3, ये हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 - 1/√3 + 1 आ जाएगा ये। चाहे तो ऐसे याद कर लें, या फिर हम लोग इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें √3 - 1 का मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि न्यूमरेटर ये हो गया और डिनोमिनेटर 3 - 1 इज 2, तो अल्टीमेटली 2 - √3 आ जाएगा, 2 - √3। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, जो ये 10 15 का वैल्यू है वही हमारा cot 75 का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से जो भी cos 15 का वैल्यू आएगा वो हमारे लिए साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना खुद ही, मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, cos 15 का क्या वैल्यू आ जाता है। कॉस 15 ये पूरा सिंप्लीफाई करके √3 + 1/√2 करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू जो, ऐसे ही हम लोग 18 डिग्री और 36 डिग्री का देख लेते हैं। साइन 18 का क्या वैल्यू होगा, कॉस 18 का क्या वैल्यू होगा, है ना, साइन 36 का क्या वैल्यू होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखो थीटा चलो हम लोग मान लेते हैं 18 डिग्री है। पहले मैं 18 डिग्री का बताता हूँ, एक बार जब 18 डिग्री आ जाएगा मेरे पास, तो वहां से हम लोग
18 का डबल जो है 36, वो भी बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर थीटा को मैंने 18 डिग्री मान लिया, 5 थीटा क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री हो जाएगा, 18 × 5 ठीक है। 5 थीटा को ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 2 थीटा + 3 थीटा ठीक है। फर्दर 2 थीटा = 90 − 3 थीटा करके भी लिख सकते हैं ऐसे, सही है ना ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन कंसीडर कर लेते हैं दोनों एंगल्स को। ठीक है, साइन 2 थीटा = 2 sin θ cos θ होता है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा है, cos 3 थीटा को हम लोग cos 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद होता है हमें, 4 cos³θ − 3 cos θ ठीक। अब यहां से देखो 2 sin θ cos θ = cos θ अगर कॉमन ले तो 4 cos²θ − 3 ठीक है। थीटा जो है ना हमारा 18 डिग्री है, तो cos 18 जीरो तो होता नहीं है, cos 18 जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा ठीक है। तो cos थीटा जो है हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 sin θ = इसको भी मैं sin थीटा के फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो sin थीटा के फॉर्म में ये हो गया। अब देखें अगर ध्यान से, तो ये sin थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो 4 sin²θ + 2 sin θ − 1 = 0 ये लिखा हुआ है ठीक है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक, वो भी किसमें, sin थीटा में। तो यहाँ से हम लोग sin थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो हमें मिलेगा −2 ± b² − 4ac हो जाएगा हमारा कितना, 20 एंड डिवाइडेड बाई 8 ठीक है। थीटा हमारा क्या था, थीटा हमने 18 डिग्री एज्यूम करा था ना, तो यही हमारा साइन 18 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, साइन ऑफ 18 डिग्री इक्वल टू। अच्छा, एक तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज हैं, प्लस के साथ और माइनस के साथ, लेकिन ऑब्वियसली माइनस वाला नहीं कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि फिर साइन 18 नेगेटिव आने लगेगा, जबकि हमें पता है साइन 18 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा ना, तो वहाँ से ये सिर्फ प्लस वाला कंसिडर करेंगे। बाकी √20 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2√5 करके, 2 और 2 सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ से साइन 18 डिग्री आ जाता है हमारे पास, 2 कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 4 और ऊपर √5 − 1/4 ये चीज़, ये हो गया हमारा साइन 18 डिग्री का वैल्यू ठीक है। साइन 18 अगर मिल गया तो यहीं से कॉस 18 लिख सकते हैं हम लोग, 1 − sin²18 करके ठीक है ना। यही हमारे कॉस 72 डिग्री का भी वैल्यू है, यही हमारे कॉस ऑफ 72 डिग्री का भी वैल्यू है। और एक बार जब हमारे पास साइन 18 आ गया, अब मुझे मान लो कि साइन ऑफ क्या लिखना है, 36 डिग्री लिखना है, तो साइन 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक तो कॉस स्क्वायर 36 का रूट लिख सकते हैं, या फिर सिंपली हम लोग 2 sin 18 × cos 18 लिख सकते हैं, 2 sin 18 × cos 18, साइन 18 हमारे पास है ही ऑलरेडी, यहीं से हम लोग कॉस 18 भी कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है ना, और दोनों का वैल्यू रख देंगे जब, तो वहां से साइन 36 का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये जो कुछ स्पेशल एंगल्स हैं
इन सब का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिख सकते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो ये साइन 18 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, टेन 15 डिग्री ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, साइन 15 डिग्री इम्पॉर्टेंट है, कॉस 15 डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इनको याद कर लेना है। ओके, तो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमें प्रूव करना है कॉस 36 इंटू कॉस 72 इंटू कॉस 108 इंटू कॉस 144, ठीक है, कॉस 36 ये जो है हमारा कॉस 72, कॉस 72 इज साइन 18 है ना, कॉस 108 अगर इसको मैं 108 को लिखूं 90 प्लस 18 तो कॉस 90 प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा ना, और इसको अगर मैं लिखूं 144 को 180 माइनस 36 ना, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, दो माइनस है मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो देखो कॉस स्क्वायर 36 इंटू साइन स्क्वायर 80 ये आ गया, ठीक है, बाकी इनका वैल्यू हमें याद रहना चाहिए। तो साइन 18 का तो वैल्यू हमने अभी देखा था, ये रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर, ये था मेरा साइन 18 का वैल्यू ना, ठीक है, कॉस 36 वगैरह ये सब आप कैलकुलेट करना, कॉस 36 कितना आता है, ये रूट फाइव प्लस वन अपॉन फोर आता है, ये चीज़ ये कैलकुलेट कर लेना आप लोग जरूर यहाँ से ना। साइन 18 मैंने कैलकुलेट किया है, पहले तो आप कॉस 18 कैलकुलेट करोगे, वहाँ से आप साइन 36 कैलकुलेट करोगे, और साइन 36 से फिर कॉस 36 कैलकुलेट करोगे, ठीक है, या कॉस 36 तो हम लोग सीधे यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम कॉस 36 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 36 को देखो कॉस 2 थीटा मान लो, तो साइन के टर्म में ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 ऐसे लिखा जा सकता है, बाकी ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लोगे साइन 18 का, तो कॉस 36 निकल के आएगा रूट फाइव प्लस वन अपॉन फोर, कर लेना कैलकुलेशन वाला पार्ट अब खुद कर लेना, ठीक है, ओके, तो बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर लें तो ये रूट फाइव प्लस वन इंटू रूट फाइव माइनस वन और अपॉन 16, इसका जो है होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो बस ये 5 माइनस 1 यानी कि 4 अपॉन 16 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन 16, ठीक है, ओके, हाइट एंड डिस्टेंस का इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर कोई एक पोल है, पोल का ये टॉप हो गया ए पॉइंट, बिल्डिंग का टॉप या पोल का बॉटम हो गया बी पॉइंट, ग्राउंड पे यहाँ कोई सी पॉइंट है, ग्राउंड पे यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है हमारा एन, तो ये लेंथ मान लेते हैं 10 रूट 3 दिया हुआ है, बाकी ये सारे एंगल दिए हुए हैं, ये 60 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये 15 डिग्री, ठीक है, पोल की हाइट बतानी है हमने, पोल की हाइट क्या है, ओके, तो देखें क्या कर सकते हैं हम लोग,
पूल की हाइट को चलो हम लोग मान लेते हैं x, बिल्डिंग की हाइट को मान लेते हैं y, ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल ए एन डी आई कैन राइट टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई अपॉन टेन रूट थ्री, टेन सिक्सटी खुद ही रूट थ्री होता है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू थर्टी डिग्री, ये पहला सॉरी 30 मीटर या जो भी 30 यूनिट आ जाएगा है ना, तो ये चीज हो गया। ओके एक्स प्लस वाई में एक इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन और मिल जाए तो हम एक्स और वाई दोनों बता सकते हैं, पोल की और बिल्डिंग की दोनों की हाइट हमें बतानी है। ओके दूसरा इधर लेफ्ट वाले ट्रायंगल्स में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ए सी एन, ए सी एन में अगर हम देखें तो पूरा कंप्लीट एंगल 10 45 है ना, 10 45 इज ऑल्सो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई सी एन, ठीक है। ओके तो यहां से 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल अपॉन सी एन आ गया, और ट्रायंगल अगर हम बी सी एन कंसिडर कर लें तो 10 15 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं वाई अपॉन सी एन, 10 15 डिग्री का वैल्यू हमें आता है 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अभी अभी देखा था हमने, इक्वल टू वाई अपॉन सी एन हो गया। इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड तो 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, तो एक्स और वाई में दूसरा इक्वेशन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहां से 30 दिया ही हुआ है, तो अब सब कुछ कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में बहुत जगह पे तो डिपेंड करता है ना क्या एंगल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 15 एंगल दे दिया तो कहीं ना कहीं हमें 10-15 डिग्री का वैल्यू तो आना चाहिए ना, तो इसके लिए ये सब जरूरी है एंगल से याद करने। 15 की जगह पे अगर 18 डिग्री दे देता तो हमें याद तो होना चाहिए ना 10-18 का क्या वैल्यू होता है या साइन 18 का क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें इन सब सब मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर है ना, ये लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देखेंगे, कैसे हम लोग जो है सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, अच्छे से नोट्स बनाइए और ये सब फॉर्मूले की आप प्रैक्टिस करिए आपके पास जो भी बुक्स हैं उससे, ठीक है। ओके थैंक यू।